हेलो एवरीवन, कैसे हो? क्या है चिकू? कौन है चिकू? मैं कौन? क्या नाम है तुम्हारा? हेलो, नमस्ते एवरीवन। और इस वीडियो को आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि हम इस बार दशहरा का वीडियो बनाने के बाद भी हम जल्दी से डाल नहीं पाए, क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे कुछ, तो उनको विदाई करने में ही थोड़ा समय लग गया और वीडियो बना हुआ था उसको एडिट कर नहीं पाए थे, तो अब एडिट कर हम डाल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। देखिए, ये है मेरा चीकू, मेरी बहन का बेटा, और ये मेरी बहन का हस्बैंड है, और ये बच्चे हैं जो नीचे खड़े हैं। और ये हम लोग आए हैं सिवान मोड़ का मेला घूमने के लिए। सिवान मोड़ में दुर्गा पूजा का पंडाल लगा है सेक्टर 8 में। तो ये देखिए वहाँ का मूर्ति है, जो कि हम लोग घूमते फिरते आए कि चलते हैं पहले एक दिन थोड़ा नज़दीक का जो चीज़ है वो सबको पैदल ही घूम लेते हैं, उसके बाद जो भी ज़्यादा दूर वाला पंडाल है उसको हम लोग घूमेंगे बाद में अच्छा से। तो पहले नज़दीक वाला मैं सिवान मोड़ आया था तो इसी में पहले घूमे। और चीकू जो है हम लोग का चीकू, वो तो इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि उसको खिलौना चाहिए ही चाहिए। वो घर से बाहर निकलेगा तो उसको मतलब कि दुकान खिलौना वाला सबसे अगर दिख गया तो वो तो वहाँ पर लोट पोट करने लगेगा, एकदम मानेगा ही नहीं। देखिए, ये मेरी बहन है और इनके ये दोनों बच्चे हैं, और ये चीकू जो था अपने पापा के साथ में था। तो ये देखिए, आइए बहुत दिन के बाद घूमने के लिए, तो हम लोग चल दिए कि चलो मेला घूमते हैं। और हम लोग सिवान मोड़ से निकल गए हैं और निकल कर जा रहे हैं सेक्टर 8 भागलपुर मोड़। तो भागलपुर मोड़ में भी अच्छा खासा पंडाल बना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, मतलब थोड़ा सा नहीं अच्छा ही बना है, जो कि हर साल ऐसा बनता नहीं था, इस बार अच्छा बना है। तो चलिए चलते हैं भागलपुर सेक्टर 8 के मेला में। और ये रास्ते में देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया, सजाया गया है। देखिए, ये हम और मेरी बहन है जो कि पैदल जा रहे हैं अपना मस्ती करते हुए। अच्छा लग रहा है, वीडियो बनाए हैं बहुत दिन के बाद एक साथ में। ऐसे तो अलग अलग वीडियो बनाते हैं पर एक साथ मिलना जुलना बहुत ही कम होता है। तो बहन है हम लोग, और कोई भी बहनों का जल्दी मिलना होता है नहीं है, सब कोई अपने अपने काम में बिजी होते हैं। ऐसे तो हर कोई अपने अपने काम में बिजी है, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर एक दूसरे को समय देना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए हर जगह। तो ये देखिए मेरा बेटा है और परी है, ये देखिए ये लोग जा रहे हैं लोग साथ में घूमने के लिए। और देखिए दूर में पंडाल दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा समय ये था कि पंडाल में अगल बगल देखिए ये कीचड़ जो है, पंडाल तो सही था लेकिन बारिश होने की वजह से अगल बगल जो है ना कीचड़ हो गया था। तो किसी तरह से हम लोग निकले धीरे धीरे करके कि कोई फिसल के गिरे ना, कीचड़ बहुत ज़्यादा था। और जिस दिन हम लोग निकले हैं घूमने के लिए, सिवान मोड़ तो घूम लिए लेकिन ये भागलपुर का जो पंडाल है यहाँ आए हैं थोड़ी देर के लिए रुके हैं, देखिए उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गया। देखिए ये यहाँ का पंडाल कितना ही खूबसूरत बनाया गया है, जो लाइट लगाया गया ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये यहाँ सेक्टर 8 के लिए ये एक यूनिक पंडाल था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा देखने के लिए, और दूर दूर से लोग आए भी थे। तो ये देखिए यहाँ का मूर्ति भी बहुत अच्छा बनाएगा, यहाँ का एंट्री भी अच्छा है, और अंदर में जो ये दुर्गा जी का जो मूर्ति है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा भव्य है। और ये इसका डेकोरेशन पंडाल का बहुत अच्छा किया गया है। और वहाँ से निकलकर अब हम लोग चल दिए हैं राय चौक की ओर, जो कि सेक्टर 8 में ही है राय चौक। तो देखिए ये रास्ते में ये जाने वाला जो जगह है इसको बहुत ही अच्छा से सजाया गया है, ये लाइट जो लगाया गया अच्छा लग रहा है देखने के लिए।
और ये देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ रायचौक में। तो यहाँ रायचौक का भी पंडाल अच्छा बनाया गया है, और हम लोग दिन में पूजा कर लिए थे तो शाम में निकले थे घूमने के लिए कि चलिए सब जगह नज़दीक वाला पैदल घूम लिया जाए, उसके बाद दूर दूर वाला जो है उसमें गाड़ी रिजर्व कर कर हम लोग जाते हैं। तो देखिए यहाँ का पंडाल ये भी अच्छा बनाया गया है। देखिए रास्ते में कहाँ चला गया, अभी तो दिख नहीं रहा है। देखिए ये हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये जो छोटा सा चीकू है ना, ये चीकू जो है कि इसको चारों तरफ हम लोग घेर के रखें कि इसको कहीं अगल बगल ज़्यादा ये कोई दुकान खिलौना ला दिखे ना, दिखेगा तो बस मतलब कहिए कि ये इसका लोट पोट होना शुरू हो जाएगा, और इसको इसकी मम्मी ही संभाल सकती है, दूसरा कोई से ये जल्दी मानता नहीं है। देखिए ये रायचौक का है पंडाल, जो कि ये भी अच्छा सजाया गया है, और पिछले साल से सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन पिछले साल से सिंपल है और हर साल चेंज होकर बनता है। तो देखिए इसका भी डेकोरेशन अच्छा लग रहा है, और ऐसी ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए मेरे सारे वीडियो, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर कर अनसब्सक्राइब ही कर दे रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर देखिए कि मेरे चैनल में कैसे कैसे वीडियो हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिए।